हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कॉनोटेशन और डिनोटेशन को समझने वाले हैं, बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्दों के खेल से, शब्दों से कोई किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, किसी का भी दिल जीत सकता है। और इन शब्दों की चॉइस से ही राइटर्स अपनी राइटिंग के ज़रिए हमारा दिल जीतते हैं। गाइस, किसी भी वर्ड की दो मीनिंग्स निकलती हैं। किसी भी वर्ड की मीनिंग को देखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉनोटेशन और दूसरा होता है डेनोटेशन। गाइस, डेनोटेशन यानी कि किसी भी वर्ड की डिक्शनरी वाली मीनिंग, डिक्शनरी में दी हुई मीनिंग को डेनोटेशन कहते हैं। कोई भी वर्ड है उसकी जो डिक्शनरी में मीनिंग दी हुई है उसे ही डेनोटेशन कहते हैं। ऐसे याद रख सकते हो, डी फॉर डेनोटेशन और डी फॉर डिक्शनरी। लेकिन कॉनोटेशन कुछ अलग है भाई। कॉनोटेशन यानी कि किसी भी वर्ड से जुड़ी हुई जो फीलिंग होती है, जो आइडिया होता है, उसे कॉनोटेशन कहते हैं। आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस, कॉनोटेशन और डेनोटेशन दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज़ किए जाते हैं। दोनों को अलग अलग करके समझते हैं। डेनोटेशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ड की जो लिटरल मीनिंग होती है, जो वर्ड की डिक्शनरी में दी हुई मीनिंग होती है, उसे ही डेनोटेशन कहते हैं। जो डिक्शनरी में दी हुई डेफिनेशन होती है वर्ड की, उसे डेनोटेशन कहते हैं। वर्ड की डेनोटेशन मीनिंग फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती है। हर पर्सन के लिए किसी भी वर्ड की डेनोटेशन मीनिंग सेम होती है। एग्जाम्पल देखते हैं डेनोटेशन का। होम, अगर इस वर्ड की डेनोटेशन मीनिंग की बात करें तो इस वर्ड का सिंपल सा मतलब होगा अ प्लेस वेयर वन लिव्स, एक जगह जहाँ पर इंसान रहता है। तो ये इसकी लिटरल मीनिंग होगी, एग्जैक्ट मीनिंग होगी। डिक्शनरी में इस वर्ड की यही मीनिंग बताई गई है, तो ये है होम की डेनोटेशन मीनिंग। ये डेनोटेशन वर्ड लैटिन टर्म डेनोटेशन नेम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नोट, यानी कि लिखी हुई मीनिंग, जो लिखी जा चुकी है डिक्शनरी में। गाइस, डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड का डिनोटेशन होता है। ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारे वर्ड्स की सेम डिनोटेशन मीनिंग होती है, जैसे कि वर्ड गार्बेज और वर्ड ट्रैश की मीनिंग सेम है डिक्शनरी में, दोनों की सेम मीनिंग है, वेस्ट। तो देखिए, इन दोनों वर्ड्स की सेम डिनोटेशन मीनिंग है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल और कार, दोनों की सेम डिनोटेशन मीनिंग है, फोर व्हील ट्रांसपोर्ट, चार पहिए वाली गाड़ी। अब समझते हैं कॉनोटेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड से जुड़ी हुई जो फीलिंग होती है, जो आइडिया होता है, वो होता है हमारा कॉनोटेशन। किसी भी वर्ड की जो डीप मीनिंग होती है, उसे कॉनोटेशन कहते हैं। कॉनोटेशन मीनिंग किसी डिक्शनरी में दी हुई नहीं होती है, बल्कि इंसान खुद अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग इस कॉनोटेशन मीनिंग को समझता है। कॉनोटेशन मीनिंग पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि फादर, हमारे पास वर्ड है फादर। फादर वर्ड को सुनते ही आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी, क्या आइडिया आएगा? यही ना, प्रोटेक्शन, लव, केयर, सपोर्ट। तो ये इस वर्ड की कॉनोटेटिव मीनिंग हो गई। किसी और पर्सन के माइंड में फादर को लेकर कुछ और मीनिंग्स भी आ सकती हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट, सीरियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने देखा कि कॉनोटेशन मीनिंग पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग है। कॉनोटेशन का यूज़ राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जाता है। कॉनोटेशन को हम लोग पोइट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पोइट्री की लाइन में सिंपल सा कुछ लिखा होता है और उसकी कुछ और मीनिंग निकल रही होती है, कई सारी मीनिंग्स निकल रही होती हैं, उसे ही कॉनोटेशन कहते हैं। कॉनोटेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल भी हो सकता है। कॉनोटेशन टर्म एक लैटिन वर्ड कॉनोटेशन नेम से लिया गया है, जिसका मतलब है टू सिग्निफाई इन एडिशन टू द मेन मीनिंग, यानी कि मेन मीनिंग के अलावा किसी और मीनिंग को दर्शाना। इसमें यही तो होता है कि मेन मीनिंग की जगह सजेस्टिव मीनिंग को दर्शाया जाता है। एक राइटिंग के अंदर हमें डिनोटेशन और कॉनोटेशन दोनों मिलता है। डिनोटेशन आपको राइटर क्लियरली बता देते हैं, लेकिन कॉनोटेशन मीनिंग आपको खुद अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझनी पड़ती है। जब रीडर को डिनोटेशन मीनिंग समझ आ जाती है, तो वो आराम से कॉनोटेशन मीनिंग को भी समझ लेता है। अब देखते हैं कुछ वर्ड्स की दोनों मीनिंग्स, डिनोटेशन और कॉनोटेशन मीनिंग्स। जैसे कि फैमिली, फैमिली की डिक्शनरी मीनिंग या डेनोटेशन मीनिंग होगी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, लोगों का ऐसा ग्रुप जो आपस में संबंधित हो, उसे फैमिली कहते हैं। तो ये डिक्शनरी में दी हुई मीनिंग है या डेफिनेशन है फैमिली वर्ड की, तो ये फैमिली वर्ड की डेनोटेशन मीनिंग हो गई। अब देखते हैं फैमिली की कॉनोटेशन मीनिंग।
फैमिली वर्ड से क्या फीलिंग जुड़ी है? इस वर्ड को सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? सेफ्टी, केयर, लव, अपब्रिंगिंग, तो ये होगी इस वर्ड की कॉनोटेशन मीनिंग। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनकी सेम डेनोटेशन मीनिंग होती है लेकिन कॉनोटेशन मीनिंग अलग अलग निकलती है। जैसे कि हाउस एंड होम, दोनों का सेम डेनोटेशन मीनिंग है अ प्लेस वेयर वन लिव्स। दोनों वर्ड की डिक्शनरी में सेम मीनिंग है, तो ये इन दोनों वर्ड की सेम डेनोटेशन मीनिंग हो गई। लेकिन इन दोनों वर्ड की कॉनोटेटिव मीनिंग अलग अलग है। होम को सुनकर आपको अच्छी वाली फीलिंग आती है, केयर वाली फीलिंग आती है, लव वाली फीलिंग आती है, लेकिन हाउस को सुनकर वैसी कोई फीलिंग नहीं आती है। हाउस को सुनते ही माइंड में आता है एक मकान, एक स्ट्रक्चर। तो ये देखिए डिफरेंट कॉनोटेशन मीनिंग्स निकली। उसी तरह स्किनी एंड स्लिम, दोनों का मतलब है थिननेस यानी कि पतला, तो ये डेनोटेशन मीनिंग है। स्किनी की कॉनोटेशन मीनिंग है वो जो बहुत ज़्यादा पतला हो, हड्डी हो, बिल्कुल ऑकवर्ड सा लगता हो, ऐसा माइंड में आता है स्किनी वर्ड को सुनकर। लेकिन स्लिम का कॉनोटेशन मीनिंग आपका कुछ और निकलेगा। स्लिम यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल वाला पतला, फिटनेस वाला पतला। अब सपोज़ आप अपने किसी फ्रेंड को बोलो कि तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो, तो वो गुस्सा हो जाएगी, बुरा लग जाएगा उसको। लेकिन आप अगर उसको स्लिम कहोगे तो वो खुश हो जाएगी, क्योंकि हमारे माइंड में स्लिम वर्ड को सुनते ही एक बड़ी अट्रैक्टिव सी इमेज बनती है। तो ये देखिए डिफरेंट कॉनोटेशन मीनिंग्स निकली। तो इस तरह एक ही वर्ड की दो मीनिंग्स निकलती हैं, कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन। कॉनोटेशन मीनिंग हम अपने अकॉर्डिंग समझते हैं और डेनोटेशन मीनिंग डिक्शनरी वाली लिटरल मीनिंग होती है। सो गाइज, ये था कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन। होपफुली गाइज क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।